हर रोज 2 करोड़ यात्रियों और 40 लाख टन माल का परिवहन करने वाली भारतीय रेल हर भारतीय के जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। आधुनिक रेलवे तेजी से विकसित होते भारत की जरूरत है, इसलिए रेलवे को विश्व स्तरीय बनाने और भविष्य के लिए तैयार करने का संकल्प लिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। आज रेलवे लाखों करोड़ रुपए की योजनाओं के साथ नित बदल रहा है, सवर रहा है, देश की प्रगति की 9 वर्षों की अविरल धारा का अहम हिस्सा है। अष्ट लक्ष्मी यानी हमारा नॉर्थ ईस्ट। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पिछले 9 वर्षों में नॉर्थ ईस्ट में इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण और मजबूत कनेक्टिविटी के लिए अभूतपूर्व काम हुआ है। असम में रेल सहित सर्वस्पर्शी और सर्वांगीण विकास पर विशेष फोकस है। मैं असम के लोगों को विश्वास दिलाता हूं, आपके सहयोग से, आपके आशीर्वाद से असम के विकास में और तेज गति आएगी। असम विकास की नई ऊंचाई पर पहुंचेगा। असम के विकास के लिए इसी प्रतिबद्धता के साथ आज श्री नरेंद्र मोदी जी राज्य में करीब 7300 करोड़ रुपए की 5 महत्वपूर्ण रेल परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित कर रहे हैं। 148 किलोमीटर डिगारू होजाई लामडिंग के दोहरीकरण और न्यू बंगाई गांव धूपधरा 102 किलोमीटर खंड के दोहरीकरण से इन खंडों पर लाइन क्षमता में वृद्धि होगी और ट्रेन परिचालन बढ़ेगा। पूर्वोत्तर सीमा रेल के तेजी से फैलते नेटवर्क से ट्रैफिक वहन क्षमता में बढ़ोतरी होगी। गौरीपुर अभयापुरी खंड में 86 किलोमीटर नई एकल लाइन के चालू होने से और अधिक माल गाड़ियों के परिचालन के साथ साथ लॉन्ग हॉल ट्रेन चलाना संभव होगा। यह यात्रियों के लिए बेहतर संपर्क सुनिश्चित करने के साथ साथ इस क्षेत्र के जूट सहित अन्य उपज के परिवहन को आसान बनाएगा। भारतीय रेल 100% विद्युतीकरण के लक्ष्य को पूरा करने और विश्व में सबसे बड़ा हरित रेलवे नेटवर्क बनाने की दिशा में अग्रसर है। रानीनगर जलपाईगुड़ी गुवाहाटी खंड चापरमुख सेंचुवा सिलघाट टाउन और सेंचुवा मैराबारी खंड के विद्युतीकरण से प्रदूषण में कमी आएगी, यात्री एवं भारी मालगाड़ियों की गति बढ़ेगी और यात्रा समय में कटौती होगी। गुवाहाटी तक विद्युतीकरण से परिवहन निर्बाध होगा और सालाना 175 करोड़ रुपए की बचत होगी। इन राष्ट्रीय परियोजनाओं से कनेक्टिविटी मजबूत होगी, अन्य राज्यों से नॉर्थ ईस्ट का रेल संपर्क बेहतर होगा, जिससे यहाँ की आर्थिक गतिविधि के साथ साथ पर्यटन और कृषि उत्पाद, कला और संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के नए आयाम खुलेंगे। रेल के विकास से असम के दर्शनीय स्थलों जैसे शक्तिपीठ, माँ कामाख्या मंदिर, उमानंद नदी द्वीप, काजीरंगा एवं मानस राष्ट्रीय उद्यान, पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के साथ साथ पड़ोसी राज्य मेघालय के शिलोंग चेरापूंजी में भी सैलानियों की पहुंच बढ़ेगी। ये परियोजनाएं प्रकृति और विकास के संतुलन की एक अद्भुत मिसाल है, जो वास्तव में सबको साथ लेकर सबका विकास करने के प्रयास को प्रतिबिंबित करती हैं।